हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर अकेडमी। एग्जाम फॉर अकेडमी के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सभी एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी, एएलपी या लोको पायलट, एसएससी सीजीएल 2018, एसबीआई क्लर्क और पीओ और अन्य सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है। बहुत से स्टूडेंट करते थे कि सर आपका वीडियो जो होता है बहुत ही छोटा होता है, जैसे 5 से 6 मिनट का मैं वीडियो बनाता था, तो आज ये वीडियो लंबा होने वाला है, 15 से 18 मिनट का ये वीडियो होगा। इसमें मैंने 50 से 60 क्वेश्चन कवर किए हैं और मोस्ट रिपीटेड बार बार क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वहीं मैंने कवर किया, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। इसमें आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना होगा। आज का पहला सवाल है, एलो केक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्राकृतिक यूरेनियम, प्राकृतिक यूरेनियम को एलो केक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैन का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्वेश्चन कंप्यूटर से है, हमने इसमें कंप्यूटर और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी से को क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का वीडियो है, जनरल नॉलेज में कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास किस पर अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट 1932 में जो हुआ था किसके मध्य में, यानी किसके बीच में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी और बीआर अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर प्रकाशिक रंगीन वलय क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरोना। कोरोना कहते हैं सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय यानी कि रिंग को। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। इसी के घटना के उपलक्ष्य में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को त्याग दिया था, यानी कि छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी का क्या अर्थ है, इससे आप क्या समझते हैं? तो स्मार्ट मनी, हम इंटरनेट बैंकिंग को स्मार्ट मनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको आमतौर पर सरहदी गांधी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान को सरहदी गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? ये पूछ रहा है, दक्षिण अफ्रीका की जो वहाँ की करेंसी है उसका नाम क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी या मौद्रिक इकाई उसका नाम है रैंड। आपको सभी इंपॉर्टेंट कंट्री कैपिटल और उनकी करेंसी याद रखना, जैसे भारत नई दिल्ली रुपया, पाकिस्तान इस्लामाबाद पाकिस्तानी रुपया, नेपाल काठमांडू नेपाली रुपया, सेचलस विक्टोरिया सेचलस रुपी, अमेरिका वाशिंगटन डीसी डॉलर, और स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड की है जो करेंसी है उसका नाम है फ्रैंक, ऐसे इसी प्रकार। और जैसे चाइना की युआन और रेनानबी और जापान की एन, आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी जो न्यूज में रहते हैं सभी देशों की कंट्री और करेंसी और कैपिटल याद रखना, इसका भी मैं वीडियो एक लाऊंगा कैपिटल और करेंसी का। आप अगर जल्दी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जी सर जी बहुत जल्दी लाइए, मैं आपको कल से परसों कंट्री और करेंसी का वीडियो विद ट्रिक प्रोवाइड कर सकता हूं, अगर 100 से ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा बिलासपुर, बिलासपुर दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अन्न पाचन के लिए पेट में किस अम्ल को स्त्रावण होना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही हमारे पेट के अंदर जो खाना जाता है वो पचता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय नेता चितरंजन दास को किसके रूप में जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय नेता चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। आपको हम बता दें हमारे संसद में दो सभाएं हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा अस्थायी सभा है, राज्यसभा स्थायी सभा है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, लोकसभा
5 वर्ष बाद भंग हो जाती या फिर किसी कारणवश उस पार्टी जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहा उसका किसी प्रकार विघटन हो जाता है तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं हो सकती। इसका कार्यकाल, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल इसके 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, बाहरी हिमालय को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो बाहरी हिमालय को शिवालिक के रूप में जाना जाता है, यानी कि शिवालिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? तो टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग जो है उसका नाम है आंत। अगला क्वेश्चन है, भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च अदालत है जहां हम फाइनल और आखिरी जो है अपना अपील दायर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल किसके वंशज थे? तो मुगल चंगेज खां के वंशज थे। अगर पूछता है मुगल शासक का जो फाउंडर था इंडिया में कौन था, तो मुगल शासक का फाउंडर इंडिया में बाबर था, जिन्होंने 1526 ईस्वी में भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा TNT, जिसका फुल फॉर्म है ट्राइनाइट्रोटोलुइन। टाइना डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन है TNT, जिसकी खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी, जिन्हों के नाम पे ही नोबल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिंबसार किसका शासक था? उत्तर हो जाएगा मगध। मगध जो कि प्रेजेंट टाइम में बिहार में पड़ता है, वहाँ का शासक बिंबसार था। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने की थी, जो एक समाज सुधारक थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तारापुर शक्ति स्टेशन महाराष्ट्र। तारापुर शक्ति स्टेशन महाराष्ट्र भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन था। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में तैयार होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या है? सॉरी, ये अगर आप हमारे सभी वीडियो सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन को इससे पहले 2 बार कवर कर चुका हूं, तो आपको आंसर पता होगा कि प्रयोगशाला में बनने पर तैयार होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना भाग है? उत्तर हो जाएगा 1/6, यानी कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/6 है। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? आंसर हो जाएगा इंजन को ठंडा रखने के लिए, यानी कि कूलिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कितनी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है? उत्तर हो जाएगा निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो कौन सा लेंस है? आपको बताना है, तो उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस की वजह से अक्षरों का आकार जो है छोटा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कण आवेश रहित कण होता है? आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 कण होते हैं किसी पदार्थ के अंदर, जिसमें से जो न्यूट्रॉन है वो आवेश रहित होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, यानी कि लेंस की क्षमता को की यूनिट क्या है? आंसर हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता यानी कि यूनिट है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति के दूसरा नियम से क्या ज्ञात किया जाता है? आंसर हो जाएगा द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत है। द्वितीय नियम से नहीं, न्यूटन के प्रथम नियम से गति की परिभाषा ज्ञात होती है। अगला क्वेश्चन है, लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आंसर हो जाएगा विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर लेजर काम करती है। अगला क्वेश्चन है,
बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आंसर हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए टुकड़े चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी पाचन प्रक्रिया है? आंसर हो जाएगा, प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटन करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पर मीथेन उपस्थित है? आंसर हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह पर मीथेन उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन देशों में जहां के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वहां के लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं? आंसर हो जाएगा, बेरी बेरी रोग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम प्रकाश वर्ष को पूछते हैं कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, क्योंकि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। कंप्यूटर की आईसी जो है सिलिकॉन नामक पदार्थ से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? उसकी छाया अनंत यानी कि इनफाइनाइट पर बनेगी। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर हो जाएगा, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेवेनस ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? ये क्वेश्चन मैं अभी आपको बता चुका हूँ, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? तो उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है? जी नहीं, अभी मैंने बताया प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, क्योंकि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या सीसा विद्युत का कुचालक है? जी हाँ, आंसर राइट यानी कि हाँ। अगला क्वेश्चन, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो कौन सी गैस तेजी से निकलेगी? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, इसका कारण ये है क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है तो उसके कण जल्दी से विस्थापित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से है, ये हर एग्जाम में एक एक बार जरूर पूछा जा चुका है, SSC और रेलवे में तो करीब करीब हर सेट में, अगर 10 सेट बनते हैं 10 सेट में से दो सेट में क्वेश्चन जरूर रहता है, तो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। पानी का घनत्व जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम यानी कि अधिक रहता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? उपग्रह के साथ उसकी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से अगर कोई पैकेट यानी कि छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा जिस चाल से वो उपग्रह कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? उसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी इलास्टिसिटी का जो मात्रक है एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन। इन दोनों को मिलाने पर हमको मिलता है H2O। जो कि वाटर यानी कि जल का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धत कब लागू की गई? तो मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धत 1971 ईस्वी में जिनेवा में एक मीटिंग के दौरान लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी, जिसको इकोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं, इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को त्वरण क्या होता है? तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? तो परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटीन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे के में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो हम आपको बता दें, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, आप कंफ्यूज मत होना। फाइकोलॉजी में शैवाल का, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना हो रहेगा तब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता, यह कथन किसका है? तो ये कथन न्यूटन का है, ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है, ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। हम आपको बता चुके हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल किसका अयस्क है? गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में आसानी से क्या ज़्यादा घुलनशील है? तो जल में आसानी से नाइट्रोजन घुलनशील है। अगला क्वेश्चन, क्या रक्त कोलाइड है? नहीं, रक्त कोलाइडल नहीं है, रक्त नॉन कोलाइडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण होता है? तो माचिस की तीली पे जो मसाला लगा होता है वो लाल फास्फोरस और गंधक का होता है। ज़्यादातर ऑप्शन में लाल फास्फोरस और येलो फास्फोरस भी आंसर होता है। स्टूडेंट क्या टिक करते हैं? स्टूडेंट टिक करते हैं येलो, जो कि गलत आंसर है। जो माचिस की तीली पे लगा होता है वो रेड फास्फोरस यानी कि लाल फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वो है आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, क्या सोडियम जल से हल्का होता है? बिल्कुल एस यानी कि करेक्ट है, सोडियम जल से हल्का होता है। ये आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, जो सभी एग्जामों, अपकमिंग एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी, ALP, लोको पायलट, SSC सीरियल और किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप कमेंट करके आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा डेली जनरल नॉलेज। और मैं सुबह आज करंट अफेयर का वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया मैंने, 1 जुलाई 2018 का करंट अफेयर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियोस में जाके 1 जुलाई 2018 का करंट अफेयर देख सकते हैं। और रेलवे ग्रुप डी और ALP की एग्ज़ाम डेट आ गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी देख सकते हैं। आपका एग्ज़ाम
अगस्त सितंबर में होगा, और जो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो फर्स्ट वीक जुलाई में, यानी कि 3-4 दिन के अंदर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।